को आगे बढ़ाने में मदद की। चार्टर एक्ट ऑफ 1830। इनमें सबको आपको देखना होगा कि जो ये एक्ट्स हैं या कमिटीज हैं इनमें प्रोविजंस क्या किए गए। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में आपको पता है कि क्या किया गया था, कि पहली बार एजुकेशन के लिए कहा गया कि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करिए, यहाँ पे खर्च करिए। ये भी एजुकेशन मिलनी थी तो जाहिर सी बात है कि उसमें अंग्रेजी एजुकेशन के लिए ही था वो, और भी थी चीज़ें थी, लेकिन उसमें इंग्लिश एजुकेशन मेन था। और इंग्लिश एजुकेशन मेन था इसमें, तो इंग्लिश एजुकेशन ही मेन रहेगा। जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी प्रोविजन उस समय हो रहा था तो उसमें अंग्रेजी एजुकेशन एजुकेशन को यहाँ बढ़ावा देने का मतलब भी यही था कि कृष्णा क्रांति पे हैं, और आप मैं जब सवाल पूछ रहा हूँ तो इसके आप कोशिश करिए कि आप भी जवाब दें इसके। मोस्ट वेलकम हियर, हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आपको के लिए। देखें इस क्वेश्चन को, ये फोर्थ क्वेश्चन जो हमने स्क्रीन पे रखा है, आप इसको देखिए इस स्लाइड में। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इसमें कहा गया था कि 1 लाख रुपए की व्यवस्था करनी। जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1820, ये जो पहली बार एक शुरुआत तो इसकी यहाँ से हो गई थी। पहली बार एक बड़ा प्रपोजल लेकर के आए ब्रिटिशर्स, और उन्होंने ये कहा कि अब जगहों पे इंग्लिश स्कूल खोलने की बात की गई और चीज़ों की बात की गई, और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। तो इसने भी अंग्रेजी के लिए बात कहा था, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने। यहीं से इनफिल्ट्रेशन थ्योरी आई, अगर आपको याद होगा। इनफिल्ट्रेशन थ्योरी का मतलब था कि मैकाले ने कहा कि आप कुछ लोगों को पढ़ा दीजिए और वो लोग खुद ही अपने लोगों को जा करके पढ़ा देंगे। यानी आप किसी ज़िले में 20 लोगों को एजुकेट कर दीजिए, उस उनसे कहिए कि वो दूसरे लोगों को जा करके एजुकेट करें। ये इनफिल्ट्रेशन थ्योरी थी। लॉर्ड मैकाले उस कमेटी के, जो जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन उसके अध्यक्ष, उन्होंने ही एक पूरा एक फॉर्मेट तैयार किया कि कैसे इंग्लिश बढ़ावा दिया। ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है। ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी, ये भी एक आई कि यहाँ पे जो प्राच्य विद्या है, प्राचीन शास्त्र है, वेद हैं, पुराण हैं, हमारे लिटरेचर हैं, उनको पढ़ाया जाए, या फिर इंग्लिश साइंस, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाए। तो इन सब चीज़ों ने भी इंग्लिश एजुकेशन को तो बढ़ावा ही दिया, बढ़ रही थी सारी चीजें। अब इनमें से सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। तो मैंने बता ही चुका हूं कि ये सारे के सारे ऑप्शन सही है। शशांक धर, वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी चीफ, थैंक यू वेरी मच शशांक। इस को ज्वाइन करिए आप लोग, आज काफी देर हो गई है और हमको भी एक बार रीशेड्यूल करना पड़ा ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस एंड सम अदर रीजंस। मुझे लगता है कि आप लोग कम लोग इससे जुड़ पाए हैं, बट जो भी रहे हैं या जुड़ चुके राइट ज्वाइन दिस क्विज एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस व्हाट आई एम आस्किंग दिस क्विज। वेरी गुड, आप नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं रख रहा हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन है ये, इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 19th century वाज़ द, जो इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया है उसका, उसके तमाम प्रभाव थे ब्रिटिश रूल इन इंडिया के, लेकिन इनमें चार में से आपको देखना है कि विच वन इज करेक्ट। एनीवन, आप जवाब दें, मैं इंतजार कर रहा हूं कि आपका जवाब मिले हमें। रमेश चतुर्वेदी आप, अच्छा वॉयस लो है मेरी, कोई बात नहीं, मैं वॉयस अपनी तेज कर दे रहा हूँ। आज वॉयस की वैसे भी जरूरत नहीं है, आज आज आपकी वॉयस आनी चाहिए।
नहीं, आज मैं क्विज क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ एंड यू हैव टू गिव द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन। अगर आप नहीं बता रहे हैं तब फिर मुझे तो, और अगर अब वॉयस अगर अब ठीक हो गई हो। हाँ पढ़ें, पहले ऑप्शंस पढ़ें। इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ से कोई चीज एक्सपोर्ट, इस तरह की चीजें एक्सपोर्ट नहीं हो रही थी जो कि मेड मेड इन इंडिया थी। ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंडियन ओन्ड फैक्ट्रीज, सवाल ही नहीं उठता। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये बता दिया है। फिफ्थ में आप ए बता रहे हैं, कैसे आप बता रहे हैं रमेश? आप हम लोगों ने ब्रिटिश ये चैप्टर अभी शायद नहीं पढ़ा है, हमने आगे पढ़े बाकी और चीज़ें पढ़ रखी। ये जो ब्रिटिश रूल का इम्पैक्ट था ऑन एग्रीकल्चर एंड ऑन इकोनॉमी, उनमें, अच्छा शशांक धर साहब बता रहे हैं सी, देखते हैं। उनमें ये दो चीज़ें तो बिल्कुल ही नहीं थी, यही इन्हीं को तो इन्होंने ख़त्म कर दिया। हैंडीक्राफ्ट हमारा बहुत पॉपुलर था, बड़ा था, बहुत ही अच्छा था, उसकी बड़ी डिमांड भी थी जहां जहां वो जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने इन सारी चीजों को खत्म कर दिया। दे डिस्ट्रॉयड ऑल दीज थिंग्स। ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंडियन ओन्ड फैक्ट्री, इंडिया फैक्ट्रीज तो लगी उनके जमाने में, बट नॉट दे वेर नॉट इंडियन ओन्ड, वो सारी अंग्रेजों ने। बाद में जब ये स्वदेशी कुछ चीजें चली तो कुछ मात्रा में हंसने लगा, शुरू किया, बट वो इतनी बड़ी और इतनी बहुत ज्यादा वो एक्साइटिंग चीजें नहीं थी। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, हाँ ये चीज़। रैपिड इंक्रीज इन द अर्बन पॉपुलेशन, ऐसा भी नहीं हुआ था, इंक्रीज हुआ था बट इट वॉज नॉट रैपिड इंक्रीज। तो फोर से ये सी ऑप्शन इसमें सही। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन उन्होंने किया, ये अलग बात है कि इस कॉमर्शियलाइजेशन का बेनिफिट इंडियन पीजेंट्स को, इंडियन फार्मर्स को नहीं मिला था, वो पूरा फायदा उठाया अंग्रेजों ने ही था। लेकिन कॉमर्शियल खेती का एक तरीका उन्होंने हमें बताया, नील पैदा कर रहे थे, कॉफ़ी पैदा कर रहे थे, चाय पैदा कर रहे थे, हालांकि मसाले वगैरह हमारे यहाँ पहले ये मसालों का व्यापार करने ही आए थे, लेकिन ये सब चीज़ें कुछ जगहों पे सीमित। इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की चीज़ों को डेवलप किया, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, ये श्रेय इनको दिया जा सकता है। ये हो गया। सिक्स्थ पे अब आप आइए, ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आया हुआ है यूपीएससी में। ये दोनों क्वेश्चन जो ऊपर नीचे सिक्स्थ एंड सेवेंथ दिख रहे हैं, और फटाफट आप इसके जवाब दीजिए बिल्कुल भी बिना देरी किए। इन सिक्स्थ क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। इन इंडिया द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वॉज सेटअप इन विच वन एमंग द फॉलो, पहला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहाँ बनाया गया, यानी नगर निगम जो स्थापना सबसे पहले किस शहर में, पढ़िए और दिमाग लगाइए कि कब हुआ था, कहाँ। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कलकत्ता, दूसरा मद्रास, तीसरा बॉम्बे, दिल्ली। सर हाउ मेनी क्वेश्चंस वुड बी देयर इन द एग्जाम, इस पर हम लोग फिर चर्चा करेंगे शशांक जी। आप क्वेश्चन 100 क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता होगा इसी में। ये जब हम लोगों ने स्ट्रेटजी और बाकी चीजें उनकी क्लास की थी तो आपको बताया था। अशोक पांडे थैंक यू वेरी मच, आप भी ज्वाइन कर रहे हैं, आज सारे लोगों ने बहुत लेट ज्वाइन किया है। शशांक जी आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, 100 क्वेश्चंस होंगे आपको, 2 घंटे में करने होंगे, जो जनरल स्टडीज का पेपर। एनीवन, पहला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहाँ बनाया गया था, कलकत्ता में, मद्रास में, बॉम्बे में? अच्छा अशोक पांडे जी जवाब दे चुके हैं, अशोक पांडे जी सी, शांगदर भी सी बता रहे हैं। कैसे, कब बनाया गया था? देखिए दो चीजें हैं, शशांक धर ने अपना ऑप्शन अच्छा सेवेंथ का आपने भी बताया, अभी आप सिक्स्थ की चर्चा करिए, सेवेंथ चर्चा अभी पहले इसको कर लेते हैं। तो कब बनाया गया था ये भी बताइए। देखिए एक चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, माइन निगेटिव मार्किंग भी होती है, माइनस मार्किंग भी,
होती है। तो कोशिश ये करिए कि जिस पर आप बिल्कुल डेड श्योर हो उसी को आप अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज अटेम्प्ट मत। क्यों? क्योंकि अगर आप गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर, जितना नंबर आपको मिला हुआ है उसका 1/3 नंबर वो आपका कार्ड भी लेगा। यानी अगर 3 नंबर का एक क्वेश्चन है तो सही होने पे तो 3 मिलेगा, लेकिन अगर आपने गलत कर दिया तो आपका एक नंबर कम हो गया, जो ऑलरेडी आप गेन कर चुके हैं उसमें एक नंबर कम कर दें, तो ये बड़ा खतरा होता है। इस काम को मत करिए। ये मद्रास में बना था, पहला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाया गया था 1687 में। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी यहाँ नगर निगम की, लोकल गवर्नमेंट की स्थापना की। हालांकि जो हमारे यहाँ जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की स्थापना का श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? लॉर्ड रिपन को दिया जाता है 1882। लेकिन उसके पहले ही मद्रास में वहाँ के नगर का शासन चलाने के लिए एक नगर निगम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। बाद में बॉम्बे में किया गया, देन कलकत्ता, उसको आप याद रखें, आया है पहले। आते हैं हम लोग 7th क्वेश्चन पे। विद होज परमिशन डिड द इंग्लिश सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत। अच्छा, तभी इसको लोग सब बड़ी जल्दी सबने जवाब दे दिया। रमेश चतुर्वेदी, शांक धर, बहुत आसान क्वेश्चन है। हाँ, तो ऐसा नहीं होता कि सारे टफ क्वेश्चन और मावदार क्वेश्चन ही आते, कई बार बड़े आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और आपको पता है कि जहांगीर ने 1614 में जब पुर्तगालियों से अंग्रेज युद्ध जीत गए थे और इन्होंने कार कर लिया था, उस समय इन्होंने जहांगीर से परमिशन मांगी वहां फैक्ट्री बनाने की। तो उसने बहुत सारी चीजें मांगी थी, लेकिन सारी परमिशन जहांगीर ने नहीं दी, कुछ इनको परमिशन कुछ चीजों। ये बड़ा इजी क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया, सब मालूम था। आइए, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको गलत करना है, आसान क्वेश्चन लेकिन गलत करने की आशंका बहुत ज्यादा। इन कोलैबोरेशन विद डेविड हेयर एंड अलेक्जेंडर डफ, हु ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड हिंदू कॉलेज एट। यानी डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस? आसान क्वेश्चन है वैसे, आपको पता होना चाहिए। और हम लोग जब यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो हमारा तरीका ये होगा कि हम दूसरे ऑप्शंस को भी डिस्कस करते चलें, ताकि आपका वो रिवीजन हो जाए, रिवाइज हो जाए वो चीज़ें। पढ़ें ऑप्शन और आप बताइए इसका कि क्या होगा। पहला ऑप्शन है हेनरी विवियन डेरोजियो, दूसरा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तीसरा है केशव चंद्र सेन, चौथा है राजा राम मोहन राय। इसमें किसको हम लोग कहें? शशांक धर साहब, मैंने इसीलिए कहा था आसान क्वेश्चन है लेकिन इसको गलत करने की संभावना बहुत ज्यादा है। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने नहीं की। ऑप्शन कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजिंग ऑप्शंस ही रहते हैं रमेश साहब, और उसी में ये देखना होता है कि आप कैसे उसको, कितना केयरफुल्ली और कितना डीपली आपने पढ़ा हुआ। हेनरी विवियन डेरोजियो कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में पढ़ाते थे, बट ही वॉज नॉट द फाउंडर ऑफ द कॉलेज। ओके, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, लेकिन आप ये जान लीजिए कि हेनरी विवियन डेरोजियो कौन थे। यंग बंगाल मूवमेंट इन्होंने चलाया था, सब याद आ रहा है ना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर शायद नहीं है, हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। केशव चंद्र सेन कौन थे? केशव चंद्र सेन थे, कौन थे केशव चंद्र सेन? केशव चंद्र सेन जिन्होंने इंडियन
नाम की एक मैगजीन निकाली थी, पत्रिका निकाली थी, ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। बाद में ब्रह्म समाज जो जब दो भाग में बट गया था, तो एक नव ब्रह्म समाज, न्यू ब्रह्म समाज की स्थापना इन्हों की, देवेंद्रनाथ टैगोर और इनके बीच में मतभेद हो गए, केशव चंद्र सेन के बीच मेन, ये इंडियन मिरर से ये जाने जाते हैं। तो ये भी इसकी स्थापना से नहीं, राजा राम मोहन रॉय ने किया था, या हिंदू कॉलेज कलकत्ता में हिंदू। ध्यान रखिए, ये दोबारा भी पूछा जा सकता है, आया हुआ क्वेश्चन है यूपीएससी में। मैं आपको इसीलिए कहता हूँ, कई बार ये मैंने आपसे कहा है कि पिछले साल के पेपर्स आप जरूर सॉल्व कर लीजिए, उन्हीं से क्वेश्चंस कई बार या तो बदल करके पूछ लिया जाता है या एज इट इज भी पूछ लिया जाता है, और वहां से आपको ये पता लगता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और कैसे आपको ये कोशिश की जाती है कि आपको कंफ्यूज किया जाए, आपको घुमाया जाए कि आप गलत, लेकिन अगर आपने बेहतर तरीके से उसको पढ़ रखा है, अच्छे से डीपली आपने उसको पढ़ रखा है, तो आप गलत नहीं करेंगे। आइए इस क्वेश्चन पे, और इसका आप ही आंसर देंगे, चाहे जितनी देर में देंगे मैं नहीं दूंगा। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, ये पेयर्स दिए हुए हैं, यानी एक में व्यक्ति का नाम दिया हुआ है और दूसरे में उन्होंने क्या काम किया था वो दिया हुआ। देखिए सारा, अगर आपने हमारी क्लास रेगुलरली अटेंड की होंगी तो उसमें ये जितने क्वेश्चंस मैं आपको अभी तक पूछ रहा हूँ, सारे के सारे आपने पढ़े होंगे, कोई चीज इसमें छूटी। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि हम वही को चीज करते हैं कि कहाँ कंफ्यूज कर सकता है आपको, कहाँ से क्वेश्चन उठाता है, तो उन चीज़ों को अपना जो हम नोट्स लेकर के आते हैं, अपना जो लेक्चर लेकर के आते हैं, उसी तरीके से ले आते हैं कि आपको सारी चीज़ें पता लग जाए और आप खुद भी अपनी पढ़ाई उसी ढंग से। तो देखिए इसको, इस क्वेश्चन, राधाकांत देव, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। अब आपको ये देखना है कि इनमें ये पेयर सही हैं कि नहीं है। दूसरा है गजुलू लक्ष्मी नरासु शेट्टी, फाउंडर ऑफ द मद्रास महाजन सभा। और तीसरा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन। बताएं अब इसमें कौन कौन से पेयर सही है, आपको पता करना है। पहले आप पेयर्स बता दीजिए, फिर देखा जाएगा कि आंसर इसमें कौन सा सही है। देखिए एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए और उसके बाद आप इसको इसका जवाब दीजिए। 9 का आप सही सी कह रहे हैं, यानी टू एंड थ्री अकॉर्डिंग टू मिस्टर रमेश। एनी वन मोर, और लोग दीजिए जवाब, केवल कुछ लोगों तक सीमित मत रखिए इसको, और लोग भी दीजिए। देखिए राधाकांत देव तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो बना था, ब्रिटिशर्स और इनके यानी जमींदारों की एक संस्था जो बनी थी, लैंड होल्डर सोसाइटी थी, फिर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बना कई को मिला करके, उसके पहले ये प्रेसिडेंट चुने गए थे राधाकांत देव। ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही नहीं है। फाउंडर ऑफ द मद्रास महाजन सभा, जब हम लोगों ने पढ़ा था कि कांग्रेस के पहले की जो संस्थाएं थी, अशोक पांडे जी डी बता रहे हैं, यानी आपके अकॉर्डिंग ये सारे के सारे सही हैं। चलिए आइए देख लेते हैं। तो जब हम लोग कांग्रेस के पहले की कुछ संस्थाओं की बात कर रहे थे, कौन कौन सी संस्थाएं बनी थी प्रिकर्जर ऑफ इंडियन नेशनल, उनमें हमने चर्चा की थी इन सारी संस्थाओं की। उसी वक्त जो मद्रास महाजन सभा यानी लैंड होल्डर सोसाइटी नॉर्थ इंडिया और ईस्टर्न इंडिया की संस्था थी, उसी की तर्ज पर जो साउथ में बनी थी वो बनी थी मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा के जो फाउंडर्स थे उनके नाम थे, आपको ये बताया था मैंने, अगर आपने पढ़ा रहा हो, शशांक धर बता रहे हैं कि ये ऑप्शन है, तो शशांक धर आपका ऑप्शन सही है, बिल्कुल आपने सही। अब जरा इन ऑप्शन, पहला तो सही, मद्रास महाजन सभा में गजलू लक्ष्मी नारासु शेट्टी नहीं, बल्कि ये इसमें वीर वीर राघवाचारी थे। उसके बाद ई आनंद चारलू,
जो इसके मेन फाउंडर्स थे दयानंद चार्लू, सारे लोगों का नाम हम लोग पढ़ चुके हैं, और जी सुब्रमण्यम अय्यर, ये तीन लोग थे जिन्होंने मद्रास महाजन के, जब मैं पढ़ाता हूँ तब भी आपको बताता रहता हूँ कि ये सारी चीज़ें ध्यान से याद करे रहिए, बहुत ध्यान से पढ़े रहिए, बहुत डीपली क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। अच्छा, आप कई बार ये सोचते हैं कि अरे इस चैप्टर से तो 3 साल का पेपर देखा आपने, आपको लगा कि अरे यहाँ से तो एक या दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर यही एक दो क्वेश्चन आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, है कि नहीं। देखिए, ये फिर आंसर गलत हो गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन, यस ये सही है। तो एक और तीन आंसर सही, एक और तीन आंसर कौन से हैं, ये ऑप्शन। इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन, जरा भी कंफ्यूजन रहे तो प्लीज डोंट अटेम्प्ट, मत करिए उसको, क्यों, क्योंकि वो आपका 1/3 नंबर काट देगा। छोड़ देंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, 0 आएगा, नहीं छोड़ेंगे तो -1/3 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आप आइए। Who of the following was where economic critiques of the colonialism in India? जो भारत में कॉलोनलिज्म है उसका, उसके आलोचक इनमें से कौन थे? आसान क्वेश्चन है ये, तो शायद आप बता दें, हालांकि मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सारे कठिन भी बताएं, बताया भी, कुछ लोग सही सही बता भी रहे हैं। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि आप हर ऑप्शन को देखिए, जब प्रैक्टिस करिए तो सारे ऑप्शन को रिकॉल करिए। जैसे अब आपने यहाँ, तो अब आप राधाकांत देव का और कॉन्ट्रीब्यूशन भी आप देख लीजिए कि क्या था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के बारे में भी थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, जब आप क्वेश्चन कर चुके हैं। आज भी जब आप इस क्लास को करिए तो इन सारे क्वेश्चन के जो ऑप्शन से रिलेटेड पार्ट थे उनको भी आप रिविज़न कर लीजिए, तभी जब आप जाएंगे एग्ज़ाम में तो ये सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल रिवाइज्ड रहेंगी। ये है इनको, इन सबको एक बार फिर से, यानी इनके आधार पर आप पूरा का पूरा कांग्रेस से पहले की जो संस्थाएं थी उनको आपने इस क्वेश्चन के बहाने रिवाइज। शशांकधर साहब बता रहे हैं कि 10th का डी होगा, और कोई बताएगा कि हम इसको आए। दादा भाई नौरोजी, अच्छा ये तो ऑप्शन ही मैंने गलत गलत, वो और तीन इसको आप ठीक। दादा भाई नौरोजी को तो आप जान ही रहे हैं, हैं, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन्होंने तो पूरा अंग्रेजी शासन की तज्जियां ही उड़ा करके रख दी। इन्होंने कहा कि ब्रिटिश जो है वो पूरी तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था को निचोड़ ले रहे हैं और जा करके उड़ेल दे रहे हैं, कहाँ, ब्रिटेन में। सुब्रमण्यम अय्यर, जी सुब्रमण्यम अय्यर, ये जो बंगाल, जो मद्रास महाजन सभा वाले थे, ये भी बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी थे और वकील भी थे। इन्होंने भी बहुत सारी बातें जो ब्रिटिश इंडियन इकोनॉमी पर ब्रिटिश इम्पैक्ट है उस पर बहुत सारा रिसर्च किया। रमेश चतुर्वेदी जी भी डी ऑप्शन बता रहे हैं, तो इसका मतलब शायद डी ही होगा अगर आप सारे लोग बता रहे हैं। और आरसी दत्त को तो आप जानते ही हैं, इकोनॉमिस्ट थे, हिस्टोरियन भी थे, और रमेश चंद्र दत्त नाम था इनका, और इकोनॉमिस्ट भी थे। तो ये तीन के तीनों ही थे जिन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य की आर्थिक नीतियों की आलोचना की। वॉट वॉज द इमीडिएट कॉज फॉर द लॉन्च ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट जो चलाया गया 1905 में आफ्टर द बंगाल पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसका इमीडिएट कॉज क्या था, ये बताएं। बहुत आसान क्वेश्चन है और हमने आपको बता ही दिया, तो अब इस पर ज्यादा क्या लगा। पार्टीशन ऑफ बंगाल डन बाय लॉर्ड कर्जन। देखिए एक चीज और भी है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन अभी यहाँ लॉर्ड कर्जन के बजाय कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए किसी और वाइसराय का नाम लिखा, तो ये भी देखते रहा करिए कि पूरा ऑप्शन केयरफुली। ये तो एकदम सही है कि लॉर्ड कर्जन ही उस वक्त वाइसराय थे और इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया, और इसी पार्टीशन ऑफ बंगाल के फैसले ने क्या किया कि स्वदेशी आंदोलन को भड़काया, यानी मूवमेंट को भड़काया, स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, सारे का सारा आंदोलन उस वक्त चला, अभी पिछले क्लासेस में चर्चा भी कर चुके। यस रमेश चतुर्वेदी, अशोक पांडे जी आपने भी किया। अच्छा, उसके बाद सेंटेंस ऑफ 18 मंथ्स रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, लोकमान्य तिलक,
18 महीने की जेल हो गई थी, तो ये कोई इमीडिएट कॉज नहीं, ऑलरेडी इस पर विरोध था, लेकिन वो स्वदेशी आंदोलन ये भी नहीं था। पंजाब कॉलोनी डेथ सेंटेंस प्रोनाउंस्ड ऑन द चापेकर ब्रदर्स सेवन, बट ये कोई स्वदेशी मूवमेंट के लिए ये कॉज, शशांकधर, यस 11 का, ये सही है, बिल्कुल सही। 12th क्वेश्चन पर आप आइए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन, मुझे लग रहा है सब लोग फटाफट अभी जवाब दे देंगे, जवाब दिए नहीं, अच्छी बात है, बिना क्वेश्चन और ऑप्शन पढ़े जवाब मत दिया। वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन दिसंबर 1880? लोकमान्य तिलक को लग के 1897 में इनको जेल हुई 18 महीने की, और बाद में जब सूरत ये वो होता है, सूरत में कांग्रेस का विभाजन 1908 में, 1908 में, फिर इनको 6 साल की कैद होती है, 6 साल के बाद 8 साल की के बाद में आते हैं 1914 आउट करके, और तब जा करके वो होता है लखनऊ सेशन होता है। अच्छा, रमेश चतुर्वेदी साहब बता रहे हैं बी, 12वें का बी, बिल्कुल सही है, और आपने भी बताया शशांकधर, गुड। बॉम्बे में हुआ था कांग्रेस का पहला सेशन, कहाँ पे? तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, 72 मेंबर्स थे उसमें जो इसके शुरुआत हुई थी, एंड हु वाज प्रेसिडेंट, सारी चीज रिवाइज कर लीजिए, कांग्रेस की स्थापना से संबंधित फैक्ट है। वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट डब्ल्यू सी बनर्जी, कई बार लोग यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं, कि बता देते हैं एओ ह्यूम को, एओ ह्यूम इसकी संस्था स्थापना इन्होंने की थी, एलन ओरिएंटल ह्यूम ने, लेकिन पहले अध्यक्ष नहीं थे कांग्रेस के, उस समय ये सेक्रेटरी थे, अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नो 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 रमेश जी, अभी मैंने आपको यह बता दिया, ह्यूम नहीं थे, ए ओ ह्यूम ये नहीं थे प्रेसिडेंट, ये फाउंडर भले थे कांग्रेस, बट ही वाज नॉट फर्स्ट प्रेसिडेंट। यस शशांकधर, डब्ल्यू सी बनर्जी, ब्योमेश चंद्र बनर्जी, तो याद रखिए इसको भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हु एमंग द फॉलोइंग यूज्ड द फ्रेज अन ब्रिटिश टू क्रिटिसाइज द इंग्लिश कॉलोनियल कंट्रोल ऑफ द इंडिया? जो ब्रिटिश कंट्रोल है, ब्रिटिश शासन है, इसके लिए अन ब्रिटिश टर्म का इस्तेमाल किसने किया? तो पांडे, आप किसका आंसर बी बता रहे हैं? अगर आपने 12th क्वेश्चन का आंसर बी बताया है तो ये सही है, लेकिन अगर आप 13th क्वेश्चन, 13वें क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं तो ये सही नहीं है, आप एक बार ये भी क्लियर कर दीजिए कि किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 या क्वेश्चन नंबर 13? बताएं, मैं वेट कर रहा हूं, बहुत आसान है ये, तो अभी चर्चा भी हो चुकी है, शशांक धर बता रहे हैं 13 का सी, अशोक पांडे हाँ 12 का तो बी बिल्कुल सही है, आप 13 का बताइए। आनंद मोहन बोस नहीं है, बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में आप क्या जानते हैं? बदरुद्दीन तैयब जी, इनके बारे में कई बार जो पूछा गया है वो ये कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, ये है दादा भाई नौरोजी, इन्होंने ही कहा था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन, अन ब्रिटिश इसको क्यों कहा था? अन ब्रिटिश इसलिए कहा था कि ब्रिटिश लोग जिन पॉलिसीज, जिन नॉर्म्स, जिन पैरामीटर्स के आधार पर शासन करने का दावा करते हैं, उन्हीं नॉर्म्स, उन्हीं पैरामीटर्स का वो वायलेशन कर रहे हैं भारत में शासन के दौरान, ठीक है, उन्होंने अन ब्रिटिश रूल इसका नाम दिया।
और फिरोज शाह मेहता, तो विच वन इज करेक्ट दादा भाई? सही है, अशोक पांडे सांगधर। जो सही आंसर दिया आप लोगों ने, सही जवाब दिया। अब हम क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ भी आप गलती कर सकते हैं, इसलिए बहुत केयरफुल्ली पढ़ने की जरूरत है। मुझे लगता आता आप सारे लोगों को। देखिए यहाँ पे जिस क्वेश्चन की हम लोग चर्चा कर रहे थे वो यहाँ पे आ ही गया। मैं वही कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस को कई बार चेंज करके, बदल करके पूछा जाता है, उसको भी आप ध्यान रखे रहिए कि जब एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं उससे रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं उनको भी आप बार देखते जाया करिए, रिविजन करते जाए। पढ़िए दोनों स्टेटमेंट्स और देखिए कि इनमें कौन कौन से सही हैं। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज सरोजिनी नायडू। दूसरा स्टेटमेंट है, द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये वाला ऑप्शन तो आपने यही देख लिया सही है, ये तो सही ही है। रमेश चतुर्वेदी साहब बता रहे हैं 14th का सी, बोथ वन एंड टू। रमेश साहब केयरफुल्ली पढ़ने की जरूरत है, ध्यान से पढ़िए और तब बताइए। क्या इंडियन नेशनल हु, यहाँ भी देखिए एक और ऑप्शन छिपा, एक और क्वेश्चन छिपा हुआ है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन नेशन, फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल, जैसे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कांग्रेस वॉज बदरुद्दीन तैयब जी, सही है। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, बताएं आप। अब जिन लोगों ने भी हमारी क्लासेस की होंगी उन्होंने सब ने पढ़ा होगा, और तब मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन ऐसे आपको कंफ्यूज करके पूछता है। एनी वन? रमेश चतुर्वेदी सी बता रहे हैं, बोथ एंड वन एंड टू। अशोक पांडे ने भी सी बताया है, नहीं अशोक पांडे ने पिछले क्वेश्चन का शायद बताया है सी। अगर इसका सी बता रहे हैं तो ये सही नहीं है। आप लोग बताइए कि हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशन, एनी वन? पहली महिला अध्यक्ष थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, एनी बेसेंट। हम लोग पढ़ चुके हैं इनके बारे में, होम रूल लीग चला रही थी 1916 में, और 1917 का जो कांग्रेस का सेशन था उसमें इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था, और शी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो गया? टू ओनली, पहला वाला जो है वो गलत हो गया, क्योंकि एनी बेसेंट थी सरोजनी नायडू, पहली मुस्लिम, पहली महिला। देख रहे हैं ना कैसे आपको कंफ्यूज कर देता है। हाँ रमेश चतुर्वेदी, बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, और जब तक आप कंफर्म ना हो तो आपको अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं। यहां तो हम लोग क्विज कर रहे हैं। यूनिस खान साहब कह रहे हैं दो, बिल्कुल सही है, केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। द रेफरेंस टू रॉलेट सत्याग्रह, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? रॉलेट सत्याग्रह के बारे में देखिए, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। अगर आपने रॉलेट सत्याग्रह को अच्छे से पढ़ा है, हमने क्लास से पढ़ाया है, तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा, सारी चीजें पढ़ी। कौन कौन सी बातें इनमें सही हैं वही पूछ। द रॉलेट एक्ट वॉज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेडिशन कमेटी। नंबर टू, इन रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ट्राइड टू यूज द होम रूल। नंबर थ्री, डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द साइमन कमीशन कोइंसिडेड विद द रॉलेट सत्याग्रह। आइए इसमें और ध्यान से आप इसको और फिर इसका जवाब, हम आपको टाइम दे रहे हैं का समय दी। आप पढ़िए इसको और देखिए कि इनमें कौन कौन सी चीजें सही। रॉलेट सत्याग्रह सबसे पहले तो आप कहीं, जब आप इस तरह क्वेश्चंस के आंसर देने लगे तो कहीं रफ पेपर पर या जो पेपर आपको मिला रहता है उसमें कहीं आप लिख, कब आया था रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट आया कब था?
बिल्कुल बताइए। रमेश चतुर्वेदी साहब भी बता रहे हैं, यानी 1 एंड 2। प्रियांश अग्रहरी साहब बता रहे हैं सी, यानी 2 एंड 3 ओनली। शशांक धर ने अपना मैसेज करा दिया, शायद दूसरा वो बताना चाह रहे होंगे। रमेश चतुर्वेदी साहब ने इस बार ऑप्शन बहुत ध्यान से पढ़ा है, ध्यान से उन्होंने पढ़ा, उन्होंने कोई गलती नहीं की है। तो हाँ, अब देखते हैं, अब हम एक एक ऑप्शन को लेते हैं। रॉलेट एक्ट कब आया था आपने देखा है, बता दिया मैंने आपको 19। क्या था रॉलेट एक्ट? रॉलेट एक्ट वही था कि बिना किसी पे किसी ट्रायल के, बिना कोई मुकदमा चलाए किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। अशोक पांडे जी भी बता रहे हैं 1 एंड 2 ओनली। ठीक है, अब हम इसकी चर्चा कर ही लेते हैं। तो ये रॉलेट एक्ट जो है, ये सेडिशन कमेटी एक बनी थी अल्फ्रेड रॉलेट के अध्यक्षता में। ये कहा गया था कि जो बिना किसी को भी, मतलब कि एक उस कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट दी थी और ये कहा था कि बहुत सारे ऐसे केसेस जो राजद्रोह। तो ये हाँ, पहला और दूसरा बिल्कुल सही है अशोक पांडे जी। शशांक धर भी बी पे आ गए, आप सारे लोग अब बी कह रहे हैं तो डेफिनेटली सही होगा। हम सारे ऑप्शंस को एक बार जान भी लें उनके बारे में। तो एक सेडिशन कमेटी बनी थी रॉलेट के नाम, अल्फ्रेड रॉलेट के नाम पे, और उसी पे फिर बाद में ये बनाया गया, ये कानून लाया गया कि कोई भी व्यक्ति चाहे तो गवर्नमेंट उसको इस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर सकती है, बिना मुकदमा चलाए उसको जेल भेज सकती है, सजा दे सकती है देशद्रोह का चार्ज लगाकर। तो ये सही है, सेडिशन कमेटी की रिकमेंडेशंस पर ही आधारित था, बिल्कुल सही है। इन रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ट्राई टू यूज द होम। गांधी जी यही 1617-18 से आ गए थे चंपारण, खेड़ा, इन जगहों सत्याग्रह कर रहे थे। रॉलेट एक्ट 19 आता है और यही सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट ही वो पहला नेशनल नेशन वाइड एक मूवमेंट होता है जो गांधी जी चलाते हैं, इसको लीड कर। और उस समय आपको पता है कि 1916 में होम रूल लीग बनी थी, तिलक की और एनी बेसेंट की, दोनों होम रूल लीग मिल गई थी, आपस में काम कर रही थी। और इसके लोगों को इन्होंने गांधी जी वो किया कि आप लोग इसके खिलाफ, सत्याग्रह के खिलाफ जो मूवमेंट चल रहा है उसमें भागीदार बनी, उसको लीड करी, क्योंकि होम रूल लीग से बहुत लोग जुड़ गए, बहुत मास लेवल पे लोग। तो और एनी बेसेंट और तिलक, ये दो के दोनों ही बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे, इनको इन्होंने कहा कि आप लोग इस होम लीग के जो मेंबर्स हैं उनको इसमें लगा दीजिए, लोग लग गए। लेकिन अब थर्ड ऑप्शंस भी, थर्ड ऑप्शन भी आप दे दी देख लीजिए। डिमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द साइमन कमीशन को इंसाइडेड विद द रॉलेट सत्याग्रह। साइमन कमीशन कब आ रहा है? साइमन कमीशन आ रहा है 1928 में, इसका 27-28 में बनता है, 28 में आता है यहाँ पे। इसका उससे कोई मतलब नहीं, लेटर ये उससे 10 साल बाद की चीज, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। तो कौन सा सही है? केवल एक और दो ऑप्शन सही है। तो मेरा ख्याल है कि आप लोग ये जो है, कुछ एक क्वेश्चंस मेरे पास और हैं, अगर आप चाहें तो हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, कर ही लेते हैं। विद रेफरेंस टू कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्वराज पार्टी के बारे में ये, हाँ, रॉलेट साइमन कमीशन अशोक पांडे 1928 आया था, बिल्कुल। इस क्वेश्चन को अब आप देखिए। विद रेफरेंस टू कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस समाजवादी दल पार्टी जो थी उसके बारे में क्या चीजें सही हैं? इट एडवोकेटेड द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड इवेजन ऑफ टैक्सेस। ऐसा नहीं है, गलत है, क्योंकि इसके लिए तो ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी कर रही थी और होम रूल लीग और दूसरी पार्टियां थी, ये तो बाद में बन रही है 1922 में। इट वांटेड टू एस्टेब्लिश द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलीटेरिएट। बिल्कुल नहीं, प्रोलीटेरिएट्स का यानी जो
लेफ्टिस्ट मूवमेंट चल रहा था उसका, ये डिक्टेटरशिप नहीं चाहते थे, चाहते थे ये लोग तो क्या चाहते थे, जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनती है वो क्या चाहते थे। उन्होंने यही कहा था कि हम जो असेंबलीज हैं, काउंसिल्स हैं, चुन करके वहां जाएं और वहां गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब करें ताकि वो हमारी बातों को सुने। इन्होंने ये कहा था और यही किया। इट एडवोकेटेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटीज एंड अप्रेस्ड क्लासेस, बिल्कुल कहा था। इसके लिए तो मुस्लिम लीग लड़ रही थी। इसमें आंसर क्या होगा? बी नहीं होगा अशोक पांडे, ये कोई भी नहीं से ही होगा इसका आंसर, ऑल और इनकरेक्ट। सारे के सारे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में ये स्टेटमेंट्स हैं, ये सब गलत। यहाँ ध्यान आपने नहीं दिया और सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये क्वेश्चन देखिए, इन 1920 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज्ड इट्स नेम टू स्वराज्य सभा, इस पार्टी ने बदल करके अपना नाम स्वराज्य सभा रख लिया। आप बताएं इसका, मैं आप वेट कर रहा हूं, आप कौन बताता बना पाता है। हाँ शशांकधर, आपने पिछला आंसर दिया डी, वो सही है। अब आप 17th क्वेश्चन का आंसर दिया, इसको पढ़िए पहले। ये चार सभाएं दे रखी हैं, ऑल इंडिया होम रूल लीग, हिंदू महासभा, साउथ इंडिया लिबरल फेडरेशन, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इनमें से कौन सी ऐसी संस्था है जिसने अपना नाम बदल करके, चेंज करके बाद में स्वराज्य सभा। अभी पिछले क्वेश्चन में देखा हम लोगों ने होम रूल लीग जो है वो मर्ज हो जाती है बाद में, इसमें कांग्रेस पार्टी में, और स्वराज्य सभा जो उनकी राज पार्टी उसी में अपने को मर्ज कर अपना नाम बदल। इसका आंसर होगा नहीं, डी नहीं, पिछले क्वेश्चन का आंसर ठीक है। अब गदर पार्टी को लीजिए, इसके बारे में क्या कहा जाता है, ये रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद हेडक्वार्टर्स एट सैन फ्रांसिस्को, बिल्कुल यही सही आंसर है। नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सिंगापुर, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन विद हेडक्वार्टर्स एट बर्लिन, कम्युनिस्ट मूवमेंट फॉर इंडिया फ्रीडम विद हेडक्वार्टर्स एट ताशकंद 17 आई थिंक इस ए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ए सही है। शांतधर पांडे, आप दोनों सही जवाब दिया है, और 18th का आंसर भी ए है। गदर पार्टी के बारे में आपको पता है कि रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ, नहीं इसकी, इट वाज नॉट फॉर्मड इन 1920, गदर पार्टी वाज फॉर्मड इन, ये भी जान लीजिए, 1913 गदर पार्टी की स्थापना हो रही है। चार गदर पार्टी के बारे में हमने और बताया था, गदर नाम से वो एक पेपर निकालते थे, कितनी भाषाओं में था वो भी कई बार पूछा गया है गदर पार्टी के बारे में। यह शशांकधर का ये सही है। अब आप मुझे ये बताइए कि गदर पार्टी जो अखबार गदर नाम से निकालती थी वो कितनी लैंग्वेजेस में वो निकालती थी, बहुत कई बार पूछा। हाँ अच्छा, आपने अशोक पांडे ने 17वें क्वेश्चन का के बारे में लिखा है, 19 क्वेश्चन में भी लिखा, मुझे लगा कि आप गदर पार्टी का फाउंडेशन ईयर बता रहे हैं। जी जी मैं समझ गया, जब आपने 17 लिख दिया। कौन कौन सी भाषा, कितनी भाषाओं में निकलता था, ये मैं आपसे लोगों से पूछ रहा हूँ। ये गदर पत्र जो है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार भाषाओं में निकलता था ये, पंजाबी में, मराठी में, अंग्रेजी में और उर्दू में। याद रखे रहिएगा, ये चारों भाषाएं भी पूछी जाती हैं, पंजाबी या गुरमुखी भी थी, पंजाबी भाषा थी, मराठी एंड चार भाषाओं में ये लोग मैगजीन है। तो ये 18 क्वेश्चंस थे, इनको आज हम लोगों ने किया, और बीच बीच में ऐसे जब हमारे कुछ चैप्टर्स कंप्लीट होते रहेंगे, बीच में भी हम बीच में एक आध सेशन एटलीस्ट वीक एक बार या दो बार भी
क्विज का सेशन जरूर रखेंगे, क्योंकि इससे एक तो आप जितना पढ़े रहते हैं रिवाइज हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाती है, आपको ये भी पता लग जाता है कि किस तरीके का क्वेश्चंस का ट्रेंड है, कैसे आपने ये सारे चैप्टर्स पढ़ रखे थे लेकिन आप कई जगहों पे थोड़ा सा कंफ्यूज कर गए, तो अब आप जब अपनी स्टडी करें, जी हाँ अशोक पांडे जी, 4 भाषाओं में अदर मैगजीन, अब जब आप स्टडी करें तो ये देख लीजिए कि कैसे हमको क्वेश्चंस कहाँ से बन रहे हैं और कैसे हमें पढ़ना है। तो आज इसको अब यहीं ख़त्म करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, फिर कुछ नए चैप्टर्स के साथ, और हमेशा आप ध्यान देते रहिए, ख़ास तौर पे टेलीग्राम आईडी हमारा जो है अनएकेडमी पे, और अनएकेडमी का जो ऐप है उस पर, उन दोनों जगहों पर हमारे क्लास की इंफॉर्मेशन दी रहती है, कौन सी क्लास लेंगे या हम कौन सा क्विज सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सारी चीज़ों की वहाँ से आप अपडेट रहा करिए और वहाँ आप टाइमली क्लास में आया करिए। थैंक यू रमेश चतुर्वेदी जी। और अभी हमारी, आज आपको मैं बता देता हूँ, अनअकैडमी के ऐप पर हमारी 3 क्लासेस होंगी। एक क्लास अभी उस देर के बाद ही होने जा रही है 11 o'clock पर अनअकैडमी पर, उसका भी आपको मैं लिंक अभी शेयर कर देता हूँ, आप चाहें तो वहाँ भी आकर के जुड़ सकते हैं। वहाँ भी अभी इस वाली क्लास में मैं यही क्वेश्चन की चर्चा करूंगा, कुछ अलग क्वेश्चन भी होंगे, कुछ ये वाले क्वेश्चंस भी हो सकते हैं उसमें। उसके बाद फिर हमारी 5:43 पर एक और क्लास है, और फिर 10 o'clock 10 PM पर हमारी क्लास है, उसमें वो अपडेट रहेंगे शेड्यूल टेलीग्राम पर, वहाँ से आप देख सकते हैं और उसको क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको ज्वाइन करिए और इसका फ़ायदा उठाइए, आप अपने दोस्तों से भी कहिए। और आखिर में मैं आपको ये फिर से एक बार सलाह दूंगा कि अन एकेडमी के प्लेटफॉर्म्स को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए इसको शेयर करें, ताकि आपके दूसरे दोस्त भी इसको देख पाएं। शशांक दर पूछ रहे हैं कि सर वन क्वेश्चन, हु स्टार्टेड गदर। शशांक जी ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं, सोहन सिंह भाखड़ा ने बेसिकली शुरू किया था, लेकिन लाला हरदयाल ने इसको स्टार्ट किया था, इस गदर आंदोलन को, कब? 1913 में, 1913 में। सोहन सिंह भाकना पहले से वहां मौजूद थे, बट इसकी जो स्थापना की क्रेडिट दी जाती है गदर आंदोलन को, तो लाला हरदयाल को दी जाती है, और लाला हरदयाल ने ही 4 भाषाओं में इस अखबार को निकाला था गदर। ये ऑलरेडी जो हमारी जो क्लास थी, ये नेशनल, उसमें हम इसकी चर्चा कर चुके हैं कि विदेशों में किस तरीके से नेशनल मूवमेंट आगे बढ़ा। एक बार उसका वीडियो पड़ा होगा, अगर आप चाहें क्लास, अगर आप न कर पाए हो तो आप उसको एक बार देख लीजिए, उसको सुन लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अगली क्लास में भी आएंगे और एक बार फिर हम लोग इस क्वेश्चंस की और कुछ और क्वेश्चंस की, हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस की भी चर्चा वहां पे करेंगे अन एकेडमी के ऐप पर। अन एकेडमी का ऐप अगर आपने डाउनलोड किया हो तो वहां पे मेरा प्रोफाइल है समीर आत्मज मिश्र नाम से, इस नाम से उसको आप लोग फॉलो कर लीजिए, और जब उसको आप फॉलो करेंगे, मेरे क्लास के बारे में, मेरे जो लेक्चर्स होंगे पीडीएफ वगैरह, वो सब आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएंगी, क्लास की अपडेट्स आपको वहाँ समीर आत्मज में नाम से, वो अन अकेडमी पर मेरा प्रोफाइल, अन अकेडमी के ऐप पर। तो आज की क्लास को फिर यहीं ख़त्म करते हैं, चूंकि अब 11 o'clock पे आप वहाँ से जुड़िए। थैंक यू।